सो ये है बॉट वेव अल्टीमा, जो कि एक अनदर बजट स्मार्ट वॉच है जो रिसेंटली इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है। वैसे इसकी जो प्राइस है वो 4,000 रुपीज है, बट अभी ये 3,000 रुपीज में जो है वो खरीदने के लिए अवेलेबल है। आई डोंट नो कि कब तक जो है इसकी प्राइस यही रहेगी, बट आफ्टर 3 डे टेस्टिंग आई कैन से कि इसकी जो प्राइस है वो 3,000 रुपीज ही जो है वो रहनी चाहिए। आउट ऑफ द बॉक्स ये स्मार्ट वॉच आपको बहुत कुछ जो है वो प्रॉमिस करती है, बट रियल वर्ल्ड यूजर एक्सपीरियंस इसका कैसा है, चलिए उस पर बात करते हैं। स्टार्टिंग विद द डिजाइन एंड बिल्ड, स्क्वायर शेप डिजाइन है इसकी एंड बिल्ड में ये पूरी वॉच जो है वो प्लास्टिक से बनी है। ओवरऑल लुक स्मार्ट वॉच का जो है वो एवरेज है, बहुत ज्यादा प्रीमियम वाइब जो है ये ऑफर नहीं कर पाती है, बट एट द सेम टाइम ये उतनी चीप भी नहीं लगती है। तो एवरेज लुकिंग डिजाइन है इसकी। इसकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से वो कर्व्ड है, जो कि एज एक मेन हाईलाइट कंपनी ने डिजाइन में इसे प्रेजेंट किया है, बट ऑनेस्टली लुक में उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है एंड ना ही विजन में उससे ज़्यादा कोई फर्क पड़ता है। तो अगर कर्व डिस्प्ले इसमें नहीं भी होती तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी चारों साइड जो है एक अच्छी खासी बेजल है। सो ओवरऑल डिज़ाइन एंड बिल्ड जो है इस वॉच की वो एवरेज है एंड इजीली इसकी बिल्ड एंड डिज़ाइन में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो दिख जाता है एंड इट्स ओके। इस प्राइस में जो है हम को कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज़ करना ही था, तो वो हम यहाँ पे कर रहे हैं। एंड टू मोर थिंग, ये IP68 वाटरप्रूफ रेटिंग के साथ आती है एंड यहाँ पे जो आउटर बॉडी है उस पर स्क्रैच इजीली जो है वो आ सकते हैं, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। बाकी कंफर्ट इसका जो है वो डिसेंट है, वो काफ़ी लाइट वेट है एंड इसका जो सिलिकॉन रिमूवेबल स्ट्रैप बेल्ट है वो भी काफ़ी हद तक जो है वो कंफर्टेबल है। तो डोंट वरी, डे टू डे यूज़ में आपको कम्फर्ट को लेकर इस वॉच से कोई भी कंप्लेंट नहीं होगी। बाकी वॉच में जो आपको 1.8 इंच की TFT डिस्प्ले मिल जाती है 240x268 पिक्सल रिजोल्यूशन के साथ 500 नीट की ब्राइटनेस के साथ। ऑफकोर्स एमोलेड पैनल हम यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डिस्प्ले की क्वालिटी अगेन एवरेज है, एक डिसेंट कलर प्रोडक्शन है एंड काफ़ी ब्राइट है डिस्प्ले, तो आउटडोर सनलाइट में भी ठीक ठाक विजन जो है आपको यहाँ पे मिल जाता है। एंड डिस्प्ले सेटिंग में अप टू 20 सेकंड स्क्रीन ऑन टाइम एंड 5 लेवल ब्राइटनेस एडजस्टमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मोड इसमें नहीं है और एम्बिएंट लाइट सेंसर भी नहीं है, तो ऑटो ब्राइटनेस का ऑप्शन भी जो है इसमें नहीं है, जो हम वैसे भी इस प्राइस पॉइंट पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वैसे ऑटो ब्राइटनेस मोड सेटिंग में जो है आपको उसका ऑप्शन जो है वो दिख जाएगा, बट वो टाइम के हिसाब से है, मीन्स डे एंड नाइट, तो उस पर आप जो है ज़्यादा कन्फ्यूज मत होइएगा। बाकी यस, बेजल वॉच की जो है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपका ख़राब यहाँ पे नहीं होगा। बस एक चीज़ जो है मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, ऑफकोर्स इसमें डिस्प्ले की कोई गलती नहीं है, शायद UI की डिज़ाइन ही कुछ ऐसी है। कुछ स्लाइड में जो है टेक्स्ट अलाइनमेंट डिस्प्ले के हिसाब से नहीं लगते हैं, कहीं पे टेक्स्ट थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर हो जाता है या फिर राइट साइड में हो जाता है, ऐसा जो है वो देखने में लगता है, मीन्स कहीं पे स्पेस जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। एक स्मॉल डिटेल है बट इजीली जो आप नोटिस कर पाते हो, तो कहीं ना कहीं विजुअल एक्सपीरियंस जो है इससे हर्ट होता है। बाकी इसके अलावा मुझे इस वॉच के UI इंटरफेस में कोई प्रॉब्लम जो है वो नहीं दिखी। हाँ, थोड़ा स्लो ज़रूर लगता है, बट ठीक है, हमें ये एक्सेप्ट करना होगा कि इस प्राइस रेंज में जो है सब कुछ परफेक्टली नहीं मिल पाएगा एंड वैसे जो है यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, तो ठीक है। वॉच फेसेस की बात करें तो वॉच में जो है टोटल 4 प्रीसेट वॉच फेस जो है आपको मिलते हैं एंड इसके अलावा आपको जो है वो जो ऐप है इसमें 100+ वॉच फेस के ऑप्शन जो है वो मिल जाएंगे। बहुत सारे अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ वॉच फेस है, तो डेफिनेटली आप जल्दी इस स्मार्ट वॉच से बोर नहीं होने वाले एंड यस, कस्टम वॉच फेस का ऑप्शन भी इसमें अवेलेबल है। बाकी फिटनेस फीचर्स की बात करें तो कुछ भी यूनिक जो है यहाँ पे नहीं है, वही सारी चीज़ें हैं जो आजकल हर एक बजट स्मार्ट वॉच में जो है वो देखने को मिलता है, जैसे कि डेली एक्टिविटी ट्रैकिंग, कंटिन्यूस हार्ट रेट ट्रैकिंग, SPO2 ट्रैकिंग, स्टेप ट्रैकिंग, इसके अलावा वेदर, म्यूजिक, अलार्म, रिमाइंडर जैसे बेसिक फीचर्स भी जो है इसमें अवेलेबल है। यूनिक में जो है आपके पास यहाँ पे एम्बिएंट साउंड मीटर है, जो एक्यूरेट तो नहीं है बट स्मार्टफोन की तरह एक ठीक ठाक नॉइस लेवल शो जो है वो कर देता है। बाकी जो सबसे बड़ा प्राइम सेलिंग पॉइंट है इस वॉच का वो है ब्लूटूथ कॉलिंग। वॉच में जो आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन एंड स्पीकर मिल जाता है, आप जो है इनकमिंग कॉल रिसीव करने के अलावा आप फोन डायरेक्टली वॉच से ही जो है वो डायल कर सकते हो एंड स्पीकर एंड ऑनबोर्ड माइक्रोफोन की क्वालिटी डिसेंट है, तो इंडोर यूज में जो है आपका काम इससे चल जाएगा। हाँ, आउटडोर ट्रैफिक एनवायरमेंट में उतना काम ये नहीं आएगा, वैसे ये नॉर्मल है, किसी भी स्मार्ट वॉच में जो है ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है, बट जो है ब्लूटूथ कॉलिंग में कोई दिक्कत जो है यहाँ पे नहीं है। अब जो फिटनेस फीचर है उसकी एक्यूरेसी पे थोड़ी सी अगर लाइट डाले तो मैंने प्रीवियसली काफ़ी सारे बोट की जो स्मार्ट वॉचेस है वो ट्राई की है एंड एक्यूरेसी को लेकर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा बहुत जो है प्रॉब्लम उसमें दिखा है, बट इसमें मुझे ऐसा ज़्यादा कुछ जो है देखने को नहीं मिला। स्लीप ट्रैकिंग, हार्ट रेट, SPO2 ट्रैकिंग काफ़ी ठीक से जो है यहाँ पे वर्क करते हैं। मेजरिंग प्रोसेस थोड़ी सी स्लो है बट इट्स ओके। डेटा थोड़ा सा जो है आपको ट्रस्टेबल यहाँ पे लगता है।
बाकी डेली स्टेप एंड एक्टिविटी ट्रैकिंग थोड़ी और इम्प्रूव जो है यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज स्टेप काउंटिंग जो है उतनी रियल नहीं लगती। वैसे पूरी तरह से एक्यूरेट तो किसी भी स्मार्ट वॉच में नहीं होती, बट यहाँ पे एल्गोरिदम से थोड़ा और इम्प्रूवमेंट जो है वो किया जा सकता था। बाकी जो इसमें स्पोर्ट मोड है बहुत सारे है, सारे तो जो है मैंने ट्राई नहीं किए हैं, बट एक दो जो है मैंने ट्राई किए हैं, मुझे लगता है कि वो भी एवरेज है। बहुत ज़्यादा उम्मीद आप इससे जो है वो नहीं रख सकते। जो ऑटो स्पोर्ट मोड डिटेक्शन है वो भी अगेन एवरेज है, उतना प्रॉमिसिंग जो है वो नहीं है। तो ओवरऑल एक्यूरेसी के मामले में इस वॉच को जो है मैं एवरेज ही कहूँगा। लेकिन एक चीज़ जो है डेफिनेटली टाइम के साथ इम्प्रूव हुई है और वो है वॉच की बोट वेव ऐप। मैंने पहले भी इस ऐप को जो है काफ़ी बार यूज़ किया है, तब से अभी तक टाइम टू टाइम काफ़ी इंप्रूवमेंट इसमें देखने को मिला है। आई मीन यूआई की डिज़ाइन तो ठीक वैसी है, ऑफकोर्स बोट को इसकी डिज़ाइन के बारे में थोड़ा सा सोचना चाहिए, बट इस बार मुझे जो है कनेक्टिविटी एंड डेटा सिंक्रोनाइज को लेके इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं दिखी और ना ही कोई मेजर बग जो है इसमें देखने को मिला। हाँ, एक दो छोटे मोटे बग है, बट वो चलता है। बीच बीच में कहीं स्मार्ट वॉच जो है वो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट भी हो जाता है, बट ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उससे ज़्यादा कोई दिक्कत जो है वो नहीं आती। कुछ भी मिसिंग जो है यहाँ पे नहीं लगता, सारे ज़रूरी ऑप्शन जो आपको इसमें मिल जाते हैं। एंड इस प्राइजन के जो दूसरे रियल मी नॉट वॉच है उसके ऐप के कंपेयर में ये बिल्कुल भी पीछे नहीं लगती। एंड थर्ड पार्टी गूगल फिट ऐप का सपोर्ट भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। लास्ट बैटरी बैकअप की बात करें तो 200 mAh की बैटरी है इसमें अकॉर्डिंग टू कंपनी। 10 days का बैटरी बैकअप जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा एंड ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ 3 days का बैकअप जो है वो कंपनी प्रॉमिस करती है, बट मुझे इसमें जो है ज़्यादा फर्क यहाँ पे नहीं लगता। मेरे हिसाब से एज ए नॉर्मल यूज़र अप टू 3 days का बैटरी बैकअप जो है आपको यहाँ पे मिलता है, तो बैटरी बैकअप उतना अच्छा जो इस वॉच का नहीं है, आप इससे नेगेटिव पॉइंट में डेफिनेटली काउंट कर सकते हो चाहो तो। सो ओवरऑल अंडर 3000 rupees ये वॉच बुरी चॉइस डेफिनेटली नहीं है। सारे बेसिक फीचर जो है इसमें है, कनेक्टिविटी को लेके भी कोई प्रॉब्लम जो है मुझे इसमें नहीं दिखी एंड एक्यूरेसी भी जो है ठीक ठाक है, तो नॉर्मल यूज़र के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे खरीदने में। तो अगर आपको इसकी डिज़ाइन जो है पसंद आती है तो डेफिनेटली जो है आप इसे खरीद सकते हो। हाँ, अगर आपको एक प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइन चाहिए, एक बेटर बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तो आपको थोड़ा सा बजट जो है वो बढ़ाना होगा ना। रियलमी वॉच 3 है, MS Fit 3 है, प्रो वर्जन है, नोट वॉच है, उसके साथ जो है जा सकते हो, बट वो सारे 4000 से 5000 rupees के बीच के ऑप्शन है, तो अंडर 3000 rupees डेफिनेटली ये बुरी चॉइस नहीं है, एटलीस्ट फॉर नॉर्मल यूज़र। बाकी अगर आप जो है कोई स्पोर्ट एथलीट हो या फिर रेगुलर साइकिलिंग जिम या फिर कोई और स्पोर्ट एक्टिविटी करते हो एंड उसके लिए आपको एक अच्छी एक्यूरेसी एंड ट्रैकिंग इन्फॉर्मेशन की जो है रिक्वायरमेंट रहती है, देन थोड़ा बहुत बजट बढ़ा के आप अराउंड 5000 rupees में एम एस फिट की किसी और स्मार्ट वॉच या फिर इनबिल्ट GPS वाला कोई ऑप्शन जो है अगर वो खरीदते हो तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा। बाकी अंडर 3000 rupees मैं डेफिनेटली ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट में काउंट करूँगा एंड ये गीकमैन की बेस्ट स्मार्ट वॉच अंडर 3000 rupees की जो लिस्ट है उसमें भी ये ऐड होगी, तो आप भी चाहो तो वो लिस्ट जो है वो चेक कर सकते हो। अंडर 5000-10000 rupees की भी लिस्ट है, वो भी जो है आप चेक कर सकते हो। हम रेगुलर इस लिस्ट को जो है नए बेस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉचेस ट्राई करने के बाद अपडेट करते रहते हैं, जिससे आपको एक लेटेस्ट एंड बेस्ट स्मार्ट वॉच मिलने में आसानी हो, तो ज़रूर चेक करिएगा। लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे हम एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए।